अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने डिसीजन मेकिंग और टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन करना है। बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। बहुत रिलेवेंट का क्वेश्चन है, ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। पहले हम सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, एक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि सवाल में हमने करना क्या है। वो कहते हैं जी, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइड जी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स बाई यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है जी, रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक हमने यूज़ करनी है और हमें 3 साल के लिए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ईयर बाय ईयर हम कॉस्ट निकाल लें या हम तीनों सालों की इकट्ठी कॉस्ट निकाल लें। बेहतर ये हम ईयर बाय ईयर निकाल लेते हैं। एंड नंबर 2, रिकमेंड वेदर इट इज़ लाइकली टू विन द बिड और नॉट। ये हमने कैलकुलेशन करनी है बच्चों। अच्छा जी, अब हम सवाल पढ़ते हैं। GL इज इंगेज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट जी। प्रेजेंटली GL इज कंसिडर्ड बिड फॉर ए टेंडर विच रिक्वायर सप्लाई ऑफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आपको एक टेंडर है, वो आपने फिल करके जमा करवाना है। द मार्केटिंग डायरेक्टर बिलीव्स दैट इट इज़ अनलाइकली टू विन द बिड टेंडर इफ द बिड प्राइस ऑफ मॉडिफाइड जी एक्सीड्स 5,000 पर यूनिट। मतलब हमें एक ऑर्डर है, एक कस्टमर है जिसको हमें मॉडिफाइड जी बेचना है और हमने उसको प्राइस बना के देनी है कि भाई 5,000 रुपया हम उस प्रोडक्ट का चार्ज करेंगे, तो उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, हमारे लिए सेल प्राइस होगी। अब पॉइंट ये है कि मार्केटिंग डायरेक्टर ये कहता है कि अगर 5,000 से ऊपर हमने उसको बेचा, सेल प्राइस हमारी 5,000 से ऊपर चली गई, तो हम ये बिड जीत नहीं पाएंगे, कोई और जो सप्लायर होगा वो जो बिड है वो जीत जाएगा। तो ये मार्केटिंग डायरेक्टर का जो ना ये पॉइंट है कि वो उसको रिस्क लगता है कि 5,000 से ऊपर हमारी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अब डेफिनेटली हमारी कॉस्ट जो होगी वो 5,000 से नीचे होनी चाहिए ताकि हम 5,000 सेल प्राइस रखें तो बीच में से अपना भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमा लें। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो है। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, GL वुड रिक्वायर टू सप्लाई 40,000, 80,000 एंड 50,000 यूनिट्स इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। हम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट विन कर लेते हैं तो फिर पहले साल उस कॉन्ट्रैक्ट में 40,000 यूनिट हमें बना के देने हैं, दूसरे साल 80,000 यूनिट बनाने हैं और तीसरे साल हमने 50,000 यूनिट बना के बेचने हैं। द प्राइस कोटेड इन द टेंडर वुड बी सेम इन ऑल 3 ईयर्स। और तीनों सालों में प्राइस सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले साल हम 5,000 रखें, अगले साल उसको कहें जी भाई थोड़ा सा महंगाई हो गई है तो रेट थोड़ा सा बढ़ा लें, ऐसा नहीं होगा। पहले साल 5,000 है, अगले साल भी 5,000 है और उससे अगले साल भी हमने 5,000 ही चार्ज करनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं चार्ज कर सकते। ये पहला पॉइंट है। तो बच्चों, इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइड जी। ठीक हो गया जी बच्चों, यहां पे हम 3 साल का प्लान बनाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे यूनिट्स टू बी सोल्ड। जो यूनिट हमने बेचने हैं, पहले साल है जी 40,000 यूनिट्स, दूसरे साल है जी 80,000 यूनिट्स और तीसरे साल है जी 50,000 यूनिट्स। यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। ओके जी, उसके बाद द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GL हैज़ इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ 0.5 मिलियन ऑन प्रिपेयरिंग द फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड जी। अब पहला पॉइंट ये है कि क्या ये 0.5 मिलियन की जो हमने कॉस्ट लगा चुके हैं, क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है कि नहीं। तो रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट आप दिमाग में लेके आए, रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में लगनी हो। तो ये इनकर्ड, हैज़ इनकर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कॉस्ट माजी में लग चुकी है। इसका मतलब ये भी है कि हमें क्या कहते हैं, टेंडर मिले या ना मिले, ये कॉस्ट लग चुकी है, ये ज़ाया है। टेंडर मिलने या ना मिलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, ये 0.5 मिलियन हमारी संक कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। ठीक है जी, इसका हमारे इस टेंडर से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। GL वुड परचेज अ मशीन हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स एंड कॉस्टिंग 50 मिलियन। अब यहां पर देखें लिखा हुआ वुड, इसका मतलब यह है कि हम परचेज करेंगे मशीन अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट ना मिला तो ये मशीन हम परचेज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये रेलेवेंट कॉस्ट बनने जा रही है, फ्यूचर में कॉस्ट लगनी है,
कैश फ्लो है, मतलब आपकी जेब में से पैसे निकलेंगे, और ये इस डिसीजन की वजह से होगी। डिसीजन यस होगा मशीन परचेज करेंगे, डिसीजन नो होगा तो मशीन परचेज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब उसकी लाइफ है 3 साल और हमारे प्रोजेक्ट की भी लाइफ 3 साल है, कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 3 साल है। 50 मिलियन उसकी कॉस्ट है। ओके, टू मीट द एडिशनल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 3 द मशीन वुड हैव नो यूज़ फॉर GL। GL के लिए उस मशीन का फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है एंड वुड बी डिस्पोज ऑफ एट 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। आज उस मशीन की 50 मिलियन कॉस्ट है, 3 साल बाद उसको बेचेंगे तो वो 25 मिलियन का सेल हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ GL टू डेप्रिशिएट इट्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है भाई कॉस्ट पकड़ो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू माइनस करो और उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो। यूजफुल लाइफ हमारे लिए 3 साल है, हमने 3 साल यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, कैलकुलेटर निकालते हैं बच्चों, 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3, तो 8.33 मिलियन हमारी हर साल की डेप्रिसिएशन आती है। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट है, इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रुपीस इन 1000, 3 सालों में रुपीस इन 1000 लिखेंगे बच्चों, और डेप्रिसिएशन कहीं पे यहीं पे आ जाएगी। ओवरहेड्स की बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है जी, 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी, रुपीज़ इन 1000 है तो 25 के साथ 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो हमने गायब कर दिए, तो बच्चों ये 8333 आ जाएगा, यहाँ पे 8333 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8333 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो गया बच्चों, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, अब पॉइंट नंबर 4 की बारी है। प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ मॉडिफाइड जी वुड रिक्वायर 3 रॉ मटेरियल्स, 3 यूनिट्स ऑफ AB5, 2 यूनिट्स ऑफ CD7 एंड 1 यूनिट ऑफ EF2। करंट स्टॉक पोजिशन ऑफ ऑल 3 रॉ मटेरियल्स आर एज फॉलो। तो 3 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए, तो AB5, CD7 और EF2। एक यूनिट बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए AB5 के। तो बच्चों AB5 के 100,000 यूनिट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहले साल में हमें कितने यूनिट AB5 के चाहिए होंगे। बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मटेरियल, और यहाँ पे लिखेंगे AB5। अब बच्चों अगर पहली लाइन को जो यूनिट्स हैं उसको हम A अज्यूम कर लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A into 3। ठीक है जी, तो 120,000 यूनिट हमें चाहिए होंगे पहले साल। ओके, हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, 100,000 यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपने दिमाग में स्केच लेके आए रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का। नंबर 1, इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? यस, 100,000 यूनिट अवेलेबल हैं स्टॉक में। और पहले साल 40,000 यूनिट बनाने हैं तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120,000 यूनिट हमें पहले साल चाहिए होंगे। तो 120,000 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 100,000 यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। अगला पॉइंट हमने देखना है, क्या ये जो मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, क्या ये कॉन्टीन्यूस यूज़ में है कि नहीं है, ये हमने देखना है। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है नोट नंबर 1, देखें नोट नंबर 1 पढ़ते हैं, द मटेरियल इज इन कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ GL। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है, इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? यस, अवेलेबल है। दूसरा, अगला पॉइंट ये चेक करना है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस यूज में है? यस, कॉन्टीन्यूस यूज में है। तो इसका मतलब बच्चों 100,000 यूनिट जो है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब यह है कि इस वक्त मार्केट में वो जो कितने का मिल रहा है, 500 रुपये का, वो 500 रुपये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। अच्छा, 100,000 रुपये के लिए रेलिवेंट कॉस्ट, 100,000 यूनिट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी 500, ये बात समझ आती है। लेकिन बाकी जो 20,000 यूनिट हैं उसके लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस ही होगी, क्योंकि वो मार्केट से परचेज करना है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट प्राइस इस वक्त एक ही चीज़ है। तो बच्चों 100,000 यूनिट भी 500 रुपये के हिसाब से काउंट होने हैं, और क्या कहते हैं बाकी जो 20,000 यूनिट वो भी 500 रुपये के हिसाब से काउंट होने हैं। तो बच्चों हम सिंपल ये कर सकते हैं पहले साल के लिए, यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं,
कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले आया था जी ए बी फाइव, पहले साल में कितना यूज़ होना है जी, 1,20,000, 40,000 ضرب 3, दूसरे साल में 80,000 ضرب 3, 2,40,000, तीसरे साल में 50,000 ضرب 3, 1,50,000, ठीक है जी। और रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है जी, 500, पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500, क्यों? जब हमें पता लग जाएगा कि यार ये हमने टारगेट पूरा करना है अगले 3 सालों का, तो बच्चों दूसरे साल में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तीसरे साल में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सब यूनिट आज ही परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि महंगाई हो रही है, कल को 500 से ऊपर भी रेट जा सकता है। तो बच्चों सारे के सारे जो हमें जो रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर की, वो आज हम 500 के हिसाब से परचेज़ कर लेंगे। तो बच्चों रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ पर भी 500 है, यहाँ पे भी 500 है, और यहाँ पे भी 500 है। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हम ले लेंगे इन 1,000 रुपीज़, इन 1,000 में। तो बच्चों 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, ये आ जाएगा 60 मिलियन, जिसको हम लिख देंगे 60,000, और फिर ये 120,000 आ जाएगा, और फिर ये 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो 75,000, ये हमारी वर्किंग नंबर 1 हो जाएगी कंप्लीट। 60,000, 120,000, 75,000, ठीक है जी। 60,000 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, फिर उसके बाद 120,000, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 75,000, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नंबर 1, ठीक है जी बच्चों। अब सीडी की बात करते हैं। सीडी की उसने कहा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ सीडी 7, ओके। तो अगर 40,000 यूनिट हैं तो 40 ضرب 2 80,000 हो जाएंगे, फिर 80,000 हैं तो 2 ضرب 2, फिर 50,000 हैं तो 2 ضرب 2। अच्छा, इस वक्त कितने स्टॉक में अवेलेबल हैं, 90,000। पहले साल कितने चाहिए, 40,000 ضرب 2 80,000, 80,000 चाहिए पहले साल, 90,000 अवेलेबल हैं, ठीक हो गया जी। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2। रिक्वायरमेंट आ जाएगी जी ए इंटू 2, पहले साल की हो जाएगी 40,000 ضرب 2 80,000, दो साल की जनाब 80,000 ضرب 2 1,60,000, तीसरे साल की 50,000 ضرب 2 1,00,000 अवेलेबल इन स्टॉक 90,000, इसमें से तो बचत हो गई 2B purchased from market, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ये 90,000 में से 10,000 यूनिट अगले साल में मिल जाएंगे, तो 1,50,000 अगले साल में मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे, और ये अवेलेबल स्टॉक 1,00,000 में से एक भी नहीं होगा अगले साल, तीसरे साल में, तो हमें मार्केट से 1,00,000 रुपये के परचेज करने पड़ेंगे। अब रेलिवेंट कॉस्ट की बात करते हैं। जो स्टॉक में अवेलेबल हैं, 90,000 यूनिट स्टॉक में अवेलेबल हैं,
इसकी रेलिवेंट कॉस्ट अब क्या है इसके बारे में हम देखना है। नोट नंबर लिखा हुआ जी टू। नोट नंबर टू पढ़ते हैं बच्चों। दिस मटेरियल हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर लास्ट वन ईयर, पिछले एक साल से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। द ओनली अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल इज टू यूज एज ए सब्सिट्यूट फॉर मटेरियल पी के वन। इसका अल्टरनेटिव यूज ये है कि इसको पी के वन बना के सेल किया जा सकता है इन करंट यूज। पी के वन बनाएंगे, वो पी के वन जो है वो करंट यूज में है। इस रॉ मटेरियल को एक और मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका नाम है पी के वन और वो करंट यूज में है। ओके, बट दिस वुड इन्वॉल्व फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 240 पर यूनिट। द करंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पी के वन इज 540 पर यूनिट। अच्छा, अब बच्चों यहां पे सवाल देखते हैं। पहला पॉइंट, इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? यस, अवेलेबल है। नंबर टू, इज इट कॉन्टिन्यूस यूज? नो, ये कॉन्टिन्यूस यूज में नहीं है। तो जब कॉन्टिन्यूस यूज में नहीं होता तो बच्चों फिर हम देखते हैं कि भाई क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज है या इसको मार्केट में सेल किया जा सकता है। अब हमने इसको देखना है, हायर ऑफ एनआरवी आर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। बच्चों 90,000 जो यूनिट्स आपके पड़े हैं, अगर आप इसको मार्केट में बेचेंगे तो आपको 220 रुपये मिलेंगे। मार्केट में बेचेंगे 220 रुपये आपकी जेब में आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसका अल्टरनेटिव यूज में लेके आते हैं तो आपको 240 रुपये लगाने पड़ेंगे और 540 रुपये आप कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 540 माइनस 240 इज इक्वल टू 300, मतलब 300 रुपया आप कमा सकते हैं एक यूनिट ऑफ CD7 को पी के वन में कन्वर्ट करके। अब देखना यह कि कॉमन सेंस यूज करके बताएं, क्या हमें इसको बेच देना चाहिए तो 220 रुपये कमाएंगे, या हम इसको कॉन्टिन्यूस यूज में लेके आए तो पी के वन बना लें तो उसे आपको 300 रुपये मिलेगा। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि बेचने से बेहतर इसको ये है कि पी के वन में कन्वर्ट करके 300 रुपये कमा लिया जाए। अच्छा, लेकिन अगर हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये 300 रुपया हमारा फॉरगो हो जाएगा, हमें 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो बच्चों 300 रुपये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है, ठीक हो गया जी। तो बच्चों रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, जो इन यूज है उसके लिए हम करेंगे बच्चों 90,000 को, 90,000 तो नहीं, खैर पहले साल तो हमने जो 80,000 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से, और फ्रॉम मार्केट जो परचेज करना है, पहले साल तो मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे साल में 10,000 यूनिट जो है, 10,000 यूनिट जो है वो स्टॉक वाला इस्तेमाल हो जाएगा, वो 300 पे जाएगा, लेकिन बाकी जो 1.5 लाख यूनिट हैं उसको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। तो बच्चों मार्केट से परचेज करने के लिए हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, 300। लगाने पड़ेंगे, ठीक हो गया जी बच्चों। तो यहां पे लगाएंगे 330। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 80,000 इंटू 300 या देखा 24,000, और टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हमारी आ जाएगी 24,000। तो 10,000 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, यानी कि 3 मिलियन रुपीज इन 1,000, ये भी इन 1,000 है और ये भी इन 1,000 है, ठीक है जी। तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 330 के साथ, तो 49,500, तो 3,049,500 हो जाएगा, 52,500। तीसरे साल में बच्चों हमारे स्टॉक में कोई भी यूनिट नहीं पड़ा हुआ, 1 लाख का 1 लाख यूनिट हमें मार्केट से बाय करना पड़ेगा इंटू 330, ये हो जाएगा 33,000। बच्चों यही फिगर उठा के हम ऊपर लिख देंगे, CD7 वर्किंग नंबर टू, ठीक है जी। क्या क्या लिखेंगे बच्चों, 24,000
ये लिखेंगे। और क्या क्या थी फिगर? 40 नहीं, 52,500 और 33,000। हाँ ठीक हो गया, ये थी। अब आखिरी मटेरियल आ गया हमारा, EF, एक यूनिट ऑफ EF2। तो बच्चों एक यूनिट को बनाने के लिए एक यूनिट चाहिए, और पहले साल 40,000 यूनिट बनाने हैं और हमारे पास 40,000 यूनिट अवेलेबल हैं। इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? यस अवेलेबल है। नोट थ्री, अब इसके साथ लिखा हुआ नोट थ्री, नोट थ्री पढ़ते हैं। इट वॉज परचेज 2 ईयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड सी, अदरवाइज इट वुड बी डिस्पोज ऑफ। द डिस्पोजल कॉस्ट वुड बी 25 पर यूनिट। तो बच्चों पहला पॉइंट तो यह है, क्या ये अवेलेबल इन स्टॉक है? यस अवेलेबल स्टॉक है। अगला पॉइंट यह है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज है? नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मॉडिफाइड जी के लिए, जो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा सिर्फ इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी डिस्पोज ऑफ। तो फिर इसको बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए आपको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी 25 रुपीज़। ओके, इसको बेच के कितने पैसे कमाएंगे? 75 रुपीज़। अब 75 आप कमाएंगे, 25 आप लगाएंगे, तो नेट आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे? 50 रुपीज़। 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 इज आवर रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक हो गया जी बच्चों? तो मैं ये सीधा सीधा इस तरह से लिख सकता हूँ। EF2 A into 1 into 50 पहले साल के लिए आ जाएगा, 40,000 into 50 2 मिलियन। लेकिन दूसरे साल के लिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक। वंस अगेन, इज इट अवेलेबल इन स्टॉक फॉर सेकंड ईयर? नो। तो फिर बच्चों हमें परचेज करना पड़ेगा 150 पे फॉर ईयर। तो इन लिखेंगे A into 1 into 150 सेकंड ईयर के लिए, ईयर टू के लिए। तो बच्चों 80,000 into 150 तो 12,000 आ जाएगा इसका, और बच्चों फिर 50,000 into 150 तो 7,500 आएगा ईयर थ्री के लिए। ये हमारा मटेरियल हो गया। अब बच्चों लेबर की बात करनी हमने, पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, ये लेबर का है। एवरी 100 यूनिट्स ऑफ मॉडिफाइड जी वुड रिक्वायर 600 स्किल्ड लेबर आवर एंड 400 अनस्किल्ड लेबर आवर। अब बच्चों 100 यूनिट्स के लिए 600 स्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसका मतलब है एक यूनिट के लिए 6 स्किल्ड आवर चाहिए और 4 अनस्किल्ड आवर चाहिए। ये सीधी सी बात है। स्किल्ड लेबर आर पेड एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ। इस वक्त जो हमारे पास लेबर अवेलेबल है वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से हमें मिल रही है। वेयर एज रिप्लेसमेंट वुड बी ऑब्टेन एट द रेट ऑफ 35,000 पर मंथ। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर हम अपने करंट लेबर को यूज करेंगे तो वो हमें 30,000 पर मंथ में पड़ेगी, लेकिन अगर वो करंट लेबर की कैपेसिटी फुल है और हमें मार्केट से नई लेबर अक्वायर करनी पड़ती है तो वो 35,000 पर मंथ में पड़ेगी। अब हमने देखना ये है कि क्या हमारी जो लेबर है, क्या उसके पास कोई आइडल टाइम अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर तो अवेलेबल है तो उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सस्ता है, और अगर उसके पास आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर हम मार्केट वाला उठाएंगे, प्रोवाइडेड कि भाई उसके जो ओवर टाइम का प्रीमियम है, जो अपनी लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम है, वो भी मार्केट वाले रेट से ज़्यादा चला जाए। ठीक है? अच्छा रिपरल, आइडल टाइम, आइडल टाइम्स आवर्स आर पेड एट 70% नॉर्मल रेट। अब यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी लेबर कुछ फ्री भी है,
ठीक हो गया जी, मतलब हमारी जो लेबर है वो फ्री भी रहती है, उसके पास आइडल टाइम भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी भी हम पेमेंट करते हैं, लेकिन 70% करते हैं नॉर्मली। जो सवाल अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आइडल टाइम की भी 100% हम पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट ये दे रहा है कि आइडल टाइम की हम 100% पेमेंट नहीं कर रहे, 70% पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि वो वाला आइडल टाइम जब इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हमें तो 100% पेमेंट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो फिर आइडल टाइम नहीं रहेगा, लेबर उस वक्त में भी काम कर रही होगी, तो 30% हमें पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 70% हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मिले चाहे ना मिले, 70% तो हमारा जा रहा है, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर हमें 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो जो 30% एक्स्ट्रा है वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स्ड एट 200 आवर्स। एक महीना एक बंदा काम करेगा 200 घंटे काम करेगा, और वो जो 200 घंटे काम करेगा उसकी पेमेंट हम उसको करेंगे 30,000 रुपया पर मंथ। अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड एट 50 पर आवर। तो इसका मतलब है अनस्किल्ड लेबर का कोई इशू नहीं है, अनस्किल्ड लेबर सीधा सीधा 50 पर आवर के हिसाब से लगेगा, ठीक है। इफ जीएल इज नॉट एबल टू विन दिस प्रोजेक्ट, देर वुड बी 14,000, 18,000, 16,000 आइडल स्किल्ड लेबर आवर्स इन ईयर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब बच्चों यहां पे स्किल्ड लेबर आवर की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। बच्चों इसकी वर्किंग नंबर 3 यूज कर लेंगे, वर्किंग नंबर 3 बच्चों कैसे यूज करेंगे हम, देखेंगे अवेलेबल इन ईयर 1, 2, 3, ठीक है जी। 40,000 हमारे पास अवेलेबल है, 40,000 पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट a × 6, 40,000 ज़रब 6, पहले साल में चाहिए तो 240,000 घंटे बनते हैं। अगले साल हमें कितने चाहिए जी, 80,000 ज़रब 6, 480,000 घंटे चाहिए, ये आवर्स हैं। और तीसरे साल 50,000 ज़रब 6, 300,000 घंटे चाहिए हमें तीसरे साल। अवेलेबल आवर्स हमारे पास बच्चों कितने आवर्स अवेलेबल हैं, उसने कहा जी पहले साल 14,000 घंटे अवेलेबल हैं, अगले साल 18,000 और उससे अगले साल 16,000, ये घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है जी। 14,000, 16,000 और 18,000, ये अवेलेबल हैं। एडिशनल फ्रॉम मार्केट जो हमें लेने पड़ेंगे, 240,000 में से 14,000 माइनस कर दें, दो लाख 26,000 घंटे हमें मार्केट से लेने पड़ेंगे अगले साल इस साल, और 480,000 में से 16 माइनस करें तो 4,64,000 हमें लेने पड़ेंगे अगले साल, और 300,000 में से 18 माइनस कर दें तो 282,000 घंटे लेने पड़ेंगे हमें तीसरे साल में मार्केट से, ठीक है जी। अब देखते हैं बच्चों पर आवर रेट। अगर इस वक्त एक घंटा हमारे वाला हमारी लेबर का पड़े तो बच्चों 30,000 रुपया महीने का पे कर रहे हैं और 200 घंटे हैं, तो 30,000 / 200 हमें अपनी लेबर का 150 रुपये का एक घंटा पड़ेगा, ठीक हो गया जी। लेकिन बच्चों अगर मार्केट वाला एक घंटा उठाएं तो 35,000 रुपये का हमें पूरा महीना पड़ेगा, जिसमें 200 घंटे वो काम करेंगे, तो 35,000 / 200 वो हमें 175 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है जी। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है।
अब हमारी जो लेबर अवेलेबल है, हमारी जो लेबर अवेलेबल है बच्चों, वो हमें एक घंटा पड़ रहा है 150 रुपये का। अब 150 हमने नहीं पे करना, क्यों? हमारी लेबर के पास 14,000 घंटे अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। तो 14,000 घंटे इंटू 150 इंटू 30%, वो आइडल टाइम है। आइडल टाइम का 70% तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जस्ट हमने 30% और पे करना है। तो बच्चों 14,000 को हम क्या करेंगे, यहां पे करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर निकालते हैं एग्जिस्टिंग की। अगर मैं बात करूं तो उसको बच्चों 150 जरब 30% हमने पे करना है, ये बनता है 45। तो 14,000 इंटू 45 ये 6,30,000 बनेगा बच्चों। अगले साल 16,000 इंटू 45 720 इंटू 18,000 इंटू 45 810 14, 16, 18 ये देखते हैं 14, 16, 18 ही है, 14, 18, 16 है, यहां पे 18 आना है और यहां पे 16 आना है, ठीक हो गया। तो 18, 810 बच्चों यहां पे आ जाएगा और 16,045, 720 यहां पे आ जाएगा। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 480 माइनस 18 462 आ जाएगा और 300 माइनस 16 284 हो जाएगा। और फ्रॉम मार्केट बच्चों, मार्केट में हमें 226 घंटे जो हैं वो 175 पर आवर पड़ेंगे, ठीक है जी। तो 240 घंटों को मल्टीप्लाई करेंगे 175 के साथ, 240 इंटू 175 42,000 और फिर 480 इंटू 175 84,000 और फिर 300,000 284 इंटू 175 497,000 ये 240 सॉरी ये 240 नहीं 226 यूज होने जो मार्केट से लेने हैं। तो 226 इंटू 175 39550 आना है और 462 इंटू 175 80850 यहां पे आना है। इसको बच्चों में यूज करेंगे 80850 प्लस 810 81660 आ जाएगा ये वाला और 630 प्लस 39550 40180 और बच्चों 720 प्लस 49700 50420, ठीक है जी। तो 40180 यहां पे यूज होगा बच्चों ठीक हो गया जी। उसके बाद 81660 81660 और तीसरे साल का क्या है जी 50420 50420 ठीक है जी। ये हमारी स्किल्ड लेबर आवर होगी। उसके बाद अनस्किल्ड है, वो तो बड़ी आसान है, सिंपल क्या करेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और उसको एक घंटा कितने का है 50 का, ठीक है जी। इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो आंसर आ जाएगा जी 40,000 इंटू फोर इंटू फिफ्टी, 40 इंटू फोर इंटू फिफ्टी ये बन जाएगा 8,000 पर आर। फिर बच्चों अगले साल 80,000 है इंटू फोर इंटू फिफ्टी, 16,000 यहाँ पे बन गया। और उसके बाद बच्चों 50,000 इंटू फोर इंटू फिफ्टी, 10,000 यहाँ पे बन गया। ठीक है जी, ये हमारी लेबर आर की कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई है। उसके बाद आ गया जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमने ऑलरेडी फिक्स तो लिख लिए हुए हैं, बस वेरिएबल रह गए हैं, वेरिएबल की हमने कैलकुलेशन करनी है। बच्चों वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं, वेरिएबल के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंटली जीएल अब्सॉर्ब्स ओवरहेड एट 150 पर स्किल्ड लेबर आवर, 150 का एक आवर पड़ता है हमें, और 40% ऑफ विच आर कंसिडर्ड फिक्स्ड। तो 40% तो हमने कंसिडर नहीं करना बच्चों, लेकिन 60% हमारा वेरिएबल है उसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे। तो 60% 150 का लेंगे वो कितना बनता है, 150 का 60% रेलिवेंट हमारे लिए, 90 हमारे लिए क्या है, रेलिवेबल है और रेलिवेंट है। और वो एक घंटा बच्चों ने लेना है वो हम देखते हैं। वेरिएबल में बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे यूनिट्स जो ऊपर लाइन ए में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्किल्ड आवर्स, स्किल्ड लेबर आवर, और मल्टीप्लाई पर बच्चों 50 15 लेना हमने, 150 का 150 का 60% लेना है। ठीक है जी बच्चों, तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, स्किल लेबर आवर के साथ। तो स्किल लेबर आवर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमने देखने हैं कितने अवेलेबल हैं जी, 240 बच्चों। टू वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं, पहले साल है जी 240 घंटे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 60%। ठीक है जी, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 240 घंटे इंटू 150 इंटू 60, 21,600 ये हमारे लिए रेलिवेंट है। फिर उसके बाद बच्चों अगले साल जो हमने मल्टीप्लाई करना है, 240,000 की जगह 480,000 आ जाएगा, 480,000 ज़रब 150 ज़रब 60%, 43,200। फिर अगले साल बच्चों ये इसकी जगह 300,000 आ जाएगा, 300,000 इंटू 150 इंटू 0.6 तो ये 27,000 आ जाएगा। तो बच्चों 21,000 यहाँ पे लिखेंगे 21,600। फिर उसके बाद बच्चों 42,000 43,200 यही आता है, चेक कर लेते हैं जी। फिर उसके बाद 27,000 बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ जाएगा जी 27,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर ईयर ठीक है, अब बच्चों इसको टोटल कर लेते हैं आराम से, 60,000 प्लस 24,000 प्लस 2,000 प्लस 40.18 प्लस 8 प्लस 21.6 प्लस 8.333 164,113 ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, 164,113।
1 3, ये हमारी कॉस्ट आ गई पहले साल की, अगले साल की दोबारा टोटल कर रहे थे, 120 प्लस 52.5 प्लस 12 प्लस 81.66 प्लस 16 प्लस 43.2 प्लस 8.333, 333.693। ठीक है जी बच्चों, और 30 साल की निकालते हैं जी, 75,000 प्लस 33,000 प्लस 7.5,000 प्लस 50,000.42 प्लस 10,000, 50.42 प्लस 10,000 प्लस 27,000 प्लस 8.333, 211,253। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी एक प्रोजेक्ट की एक पर यूनिट कितनी बढ़ती है। टोटल कॉस्ट, इन तीनों को टोटल कर लेते हैं बच्चों, तो 211,253 प्लस 333.693 प्लस 164.113, तो 709,059,709,059,000, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को राउंड ऑफ किया हुआ था, इसके साथ तीन जीरो और भी आने। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, चालीस हजार पहले साल में, 80,000 दूसरे साल में, और 50,000 तीसरे साल में हमने बनाने हैं। तो बच्चों इसका जरा टोटल कर लेते हैं, 40 जमा 80 जमा 50, टोटल 1,70,000 यूनिट हमने देने हैं। तो बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, 709,059,000 डिवाइडेड बाय 170,000, तो 4,170। बच्चों हम अगर अपने यूनिट्स बनाएं तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 4,170 पड़ती है, मतलब हमें एक यूनिट बनाने के 4,170 रुपये पड़ते हैं। तो हम इसको 4,200 का बेचें फिर भी प्रॉफिट है, 4,300 का बेचें फिर भी प्रॉफिट है, 4,400 का बेचें फिर भी प्रॉफिट है, 4,500 का बेचें 4,600, तो 4,700, 4,800, 4,900, 5,000 तक हम बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है हम प्रॉफिट में ही हैं, 5,000 से पहले पहले कोई भी हम प्राइस सेट करेंगे हम प्रॉफिट में ही हैं। ठीक है जी, तो हमें हमारे रेलिवेंट कॉस्ट के मुताबिक कोई और खर्चा नहीं पढ़ना। बच्चों इसके अलावा जो सवाल में फिक्स कॉस्ट और बाकी जो कॉस्ट दी हुई है वो सारी इररेलेवेंट है, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। हमने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, अगर यहाँ पे एडमिन और फाइनेंशियल कोई और भी कॉस्ट होती तो उसको भी हमने इग्नोर कर देना था, हमने जस्ट रेलिवेंट कॉस्ट लेनी क्योंकि क्वेश्चन में इसी के ऊपर फोकस किया गया। तो पार्ट बी क्या था, रिकमेंड वेदर इट इज लाइकली टू विन द बिड, यस इट इज लाइकली टू विन द बिड बिकॉज आवर कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट इज लेस देन 5,000, सो वी कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम 4,170 अप टू 5,000, हम 5,000 भी रखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है जी बच्चों, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको चित्र से आपने घर में दोबारा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।